ये देखिए मैंने इसे कट किया है और ये कितनी स्पॉन्जी केक बनी है हमारी। ये देखिए टूटी फ्रूटी है, इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत यमी केक बनी है। तो आप भी ये केक बना के ज़रूर ट्राई करें घर में। देखा ना आपने कितने सिंपल तरीके से ये बन के रेडी हो जाती है, एकदम मार्केट जैसी टूटी फ्रूटी केक। सबसे पहले एक कढ़ाई को हम प्री हीट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए कढ़ाई ली है, उसके अंदर एक स्टैंड रख दिया। अब इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और केक बनाने के लिए केक की टिन हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए टिन को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, उसके ऊपर बेकिंग पेपर लगा दिया है, उसको भी ऑयल से ग्रीस कर लिया है, तो ये टिन हमारी रेडी है। ये देखिए अब मैंने एक बाउल ले लिया है, उसके ऊपर एक छन्नी ले ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ये कस्टर्ड पाउडर है, क्योंकि हम कस्टर्ड केक बना रहे हैं। ये वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है, बहुत ही इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल होगा ये। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, ध्यान से सुने, और 1/2 टीस्पून छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। 1/2 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है। अब इसे अच्छे से हम छान लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप चीनी और 1/4 कप ऑयल लेंगे। ये तेज़ स्मेल वाला नहीं होना चाहिए ऑयल। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। ये वही दूध है जो गर्म करके हम ठंडा कर लेते हैं ना, वही है। तो 1 कप दूध लिया है मैंने, तो थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे और इसे एक डायरेक्शन में हम मिक्स करेंगे। ये देखिए हल्के हाथ से चलाते हुए, तो ये देखिए इसमें मुझे लगभग 3/4 कप मिल्क लगा है। और ये कैसी रिबन कंसिस्टेंसी हो गई है, ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। पूरा 1 कप दूध नहीं लगा है, 3/4 कप दूध लगा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टूटी फ्रूटी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बच्चों को बहुत ही पसंद है। और थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, किशमिश, इसको भी मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से। अब हम इसे तैयार किए हुए टिन में बैटर को पोर कर देंगे, देखिए। और इसे आप टैप ज़रूर करिएगा कि एयर बबल्स कोई भी हो तो वो निकल जाएंगी। देखिए कढ़ाई प्री हीट हो चुकी है, तो बहुत ही हल्के हाथ से संभाल के हम इसे रख देंगे कढ़ाई में और इसे अब हम ढक देंगे। तो अब हमें लो फ्लेम पे बेक होने देना है। लगभग 35 से 40 मिनट में लो फ्लेम पे ये बहुत ही अच्छी केक बेक हो जाएगी। तो अब हम ढक्कन हटा लेंगे 30 मिनट के बाद और चेक करेंगे। तो ये देखिए ये अभी गीली है, तो फिर हम इसे ढक के रख देंगे लो फ्लेम पे ही 10 मिनट के लिए। तो फिर हम 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटा के चेक कर लेंगे। ये देखिए नाइफ़ एकदम क्लीन निकली है, तो हमारी केक बनके रेडी है। इस केक को पकने में लगभग 40 मिनट लगे हैं, तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एकदम ठंडा होने देंगे। तो अब ये केक ठंडी हो गई है, तो साइड से इसको स्क्रेप कर लेंगे और इसके ऊपर एक प्लेट रखे, मैंने इसको पलट दिया है। और अब हम इसका बटर पेपर हटाएंगे। तो ये देखिए इसका बटर पेपर मैंने हटा दिया है, अब हम इसे पलट लेंगे और अब मैं इसे आपको कट करके दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने इसे कट किया है और ये कितनी स्पॉन्जी केक बनी है हमारी। ये देखिए टूटी फ्रूटी है, इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत यमी केक बनी है। तो आप भी ये केक बना के ज़रूर ट्राई करें घर में। देखा ना आपने कितने सिंपल तरीके से ये बन के रेडी हो जाती है, एकदम मार्केट जैसी टूटी फूटी केक।